नमस्कार, गुड इवनिंग जी। हाँ, मैं आरजे खुशी आज फिर आ गई हूँ और आज मैं मोटिवेशनल मंडे में आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, कहानी का बोल है एक भिखारी। जी हाँ, मंडे में मैं अगर कहीं लेकर आपको नहीं जाऊंगी तो छोटी सी कहानी या कुछ कोट्स आपको जरूर सुनाते रहूंगी। तो चलिए सुनते हैं छोटी सी कहानी को। जी हाँ, एक भिखारी था जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर के भीख मांगा करता था। उसके पास पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था और उन सिक्कों से आवाज करता। लोग आकर्षित होते थे और उसे पैसे देते थे, साथ में वो गाना भी गाता था कि तुम गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और एक दो लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था, जिनको दया आ जाती तो सिक्के डाल के निकल जाते थे। यह उसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी को जो खानदान था, इस भिखारी का जो खानदान था वो बहुत अमीर था। पता नहीं इसकी क्या हालत हो गई ऐसी कि इसको भीख मांगने की नौबत आ गई। लेकिन पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। एक शाम और रोज की तरह भिखारी यही काम कर रहा था। उसे लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि 5-10 मिनट्स और बैठ जाते हैं। तभी एक पैसे वाला वहां से निकला और बड़ी जल्दी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, फिर भिखारी को देखा और कटोरे को देखा और फिर अपनी जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला और $100 की नोट गिनने लगा। भिखारी की आंखों में नोटों को देखकर चमक आ गई। वह सोचने लगा कि अगर एक मिल जाए तो काम बन जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा कि कटोरा दोगे? $1,000 उसने भिखारी को ऑफर किया। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरा के $1,000। उतने में उस आदमी ने 10 और नोट निकाला और बोला, या लो $2,000। भिखारी ने बिना कुछ सोचे जल्दी से उस आदमी को कटोरा दे दिया। उस आदमी ने कटोरे को उससे लिया और फटाक से कटोरा को अपने बैग में डाला और वहां से चल दिया। और भिखारी भी फटाफट से अपना बैग बोरिया उठाकर फौरन वहां से दूसरी दिशा में चला कि कहीं इसका मन ना बदल जाए। और उस आदमी को लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन बदल जाए और कटोरा वापस मांग ले, वो आदमी स्टेशन के अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई वो अंदर चढ़ गया और पीछे पलट पलट के देखने लगा कि कहीं भिखारी वापस ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न मारी और स्टेशन छोड़ा। फिर उस आदमी ने चैन की सांस ली, अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरा को निकाला। फिर उसकी वजन जांचने लगा कि कितना भारी है। वह कटोरा आधे किलो का था। यह आदमी जोहरी था और एक नजर पहचान लिया था कि दुल में लपेटा हुआ यह कटोरा एक सोने का कटोरा है। वो बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा $2,000 में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे को $2,000 देकर कोई मूर्ख चला गया। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, इस भिखारी की नहीं है, कटोरा की नहीं है और व्यापारी की भी नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी कहानी है। ये जो लाइफ हमें मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई ही नहीं। हमें लगता है मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, लगता है मुझे कुछ होगा ही नहीं, मैं तो सबके लिए बस पैदा हुआ हूँ।
हम इतना करके चले जाएंगे। मुझे ज्यादा कुछ अजीब नहीं करनी क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं है। हम अपने टैलेंट और अपनी कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम वही गंदा कचोरा लेकर के भीख मांगने में अपना टाइम बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी सोने की कटोरा है और वो बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा।